हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित। जिस तरीके से मैं आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ, ये वही तरीका जिससे कोई बच्चा अपनी मदर लैंग्वेज सीखता है देख कर, सुन कर। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं रण मूवीज़ के सारे सेंटेंसेस पार्ट बाय पार्ट लेकर आ रहा हूँ, जिसका अभी तक मैंने 14 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए। दिस इज़ पार्ट 15। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला सेंटेंस है, मुझे अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने डैड को समझाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। यहाँ पर अमिताभ बच्चन के बेटे अपनी माँ से बोल रहे हैं, आई शुडंट बी प्रेजिंग माई सेल्फ बट आई हैव प्लेड ए मेजर पार्ट इन कन्विंसिंग डैड आई शुडंट बी प्रेजिंग माई सेल्फ बट आई हैव प्लेड अ मेजर पार्ट इन कन्विंसिंग डैड और तुम रुको और देखो माँ, एंड यू वेट एंड वॉच मॉम, एंड यू वेट एंड वॉच मॉम। मोहन पांडे यहाँ रहने के लिए हैं, मोहन पांडे इज हियर टू स्टे, मोहन पांडे इज हियर टू स्टे। यानी कि मोहन पांडे प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, जो कि परेश रावल हैं, तो उनके लिए बोल रहे हैं कि मोहन पांडे इज हियर टू स्टे, यानी कि प्रधानमंत्री पद पर रहेंगे, जल्दी जाएंगे नहीं। ये क्या, मैं सही हूँ डैड? एम आई राइट डैड? एम आई राइट डैड? ओ देर हो गई, ये बोल रहे हैं, ओ इट्स लेट, मुझे ऑफिस जाना था, ओ इट्स लेट। डैड मैं आपको कार्यालय में मिलूंगा, डैड आई विल सी यू एट द ऑफिस, आई विल सी यू एट द ऑफिस। मेरे पास और अच्छी खबर है, आई हैव मोर गुड न्यूज़, आई हैव मोर गुड न्यूज़। इंडिया 24 कार्यालयों का स्थानांतरण कर रहा है, हमें एक बड़ी जगह मिल गई। इंडिया 24 इज मूविंग ऑफिसेज, वी गॉट ए बिगर प्लेस। इंडिया 24 इज मूविंग ऑफिसेज, वी गॉट ए बिगर प्लेस। इंडिया 24 एक चैनल का नाम है। नेक्स्ट है, बड़ी जगह बड़े विचार, अ बिगर प्लेस बिगर थॉट्स, अ बिगर प्लेस बिगर थॉट्स। ऑफिस में मिलते हैं, सी यू इन द ऑफिस, सी यू इन द ऑफिस। शादी अगले महीने की 10 तारीख को होगी, द वेडिंग विल बी ऑन 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, द वेडिंग विल बी ऑन 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। हमने आज तारीख तय की, वी फिक्स द डेट टुडे, वी फिक्स द डेट टुडे। क्या आपने सुना जो मैंने कहा, डिड यू हियर व्हाट आई सेड, डिड यू हियर व्हाट आई सेड। यहाँ पर हम तब्सन वाइफ उनसे बात कर रहे हैं, डिड यू हियर व्हाट आई सेड, आपने नहीं सुना कि मैंने क्या कहा, यू डिडेंट हियर व्हाट आई सेड, यू डिडेंट हियर व्हाट आई सेड। डैड मोहन पांडे शपथ लेने पहुंच चुके हैं, डैड मोहन पांडे हैज़ रीच टू टेक द ओथ, डैड मोहन पांडे हैज़ रीच टू टेक द ओथ। मंच आपके लिए, इंडिया के अगले प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। द स्टेज इज ऑल सेट फॉर यू टू प्रेजेंट इंडियाज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, द स्टेज इज ऑल सेट फॉर यू टू प्रेजेंट इंडियाज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ये भारत की दो आंखें हैं, दीज आर द टू आईज ऑफ इंडिया। यहाँ पर मोहन पांडे एक स्पीच दे रहे हैं, दीज आर द टू आईज ऑफ इंडिया, एक हिंदू और एक मुसलमान, वन इज़ द हिंदूज एंड अदर इज़ द मुस्लिम्स, वन इज़ द हिंदूज एंड अदर इज़ द मुस्लिम्स। यानी कि एक हिंदू और दूसरा मुसलमान, यदि आप केवल एक आंख से देखते हैं, इफ़ यू सी विद ओनली वन आई, इफ यू सी विद ओनली वन आई, आपको एक अधूरी तस्वीर दिखाई देगी, यू विल सी एन इनकम्प्लीट पिक्चर, यू विल सी एन इनकम्प्लीट पिक्चर। और यदि आप नफरत भरी आंखों से देखते हैं तो दृश्य धुंधला हो जाएगा, एंड इफ़ यू सी विद हेटफुल आइज द विजन विल बी हेजी, एंड इफ़ यू सी विद हेटफुल आइज द विजन विल बी हेजी। अगर हम चाहते हैं कि यह देश महान प्रगति करे, इफ़ वी वॉन्ट दिस कंट्री टू मेक ग्रेट प्रोग्रेस, इफ़ वी वॉन्ट दिस कंट्री टू मेक ग्रेट प्रोग्रेस, यह आवश्यक है कि दोनों आंखें खुली हों, इट इज़ नेसेसरी दैट बोथ आइज आर ओपन, इट इज़ नेसेसरी दैट बोथ आइज आर ओपन। और न केवल खुला होना चाहिए, प्यार और भाईचारा भी होना चाहिए, एंड नॉट ओनली ओपन इट शुड ऑल्सो बी ओजिंग अफेक्शन एंड ब्रदरहुड, एंड नॉट ओनली ओपन इट शुड ऑल्सो बी ओजिंग अफेक्शन एंड ब्रदरहुड। मैं आप सभी को यह स्पष्ट करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि मैं इस गौरवशाली देश की एक नई पहचान बनाने जा रहा हूँ, दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू आइडेंटिटी ऑफ दिस ग्लोरियस कंट्री, दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू आइडेंटिटी ऑफ दिस ग्लोरियस कंट्री। इसे भ्रष्टाचार के उपकरण के साथ नहीं बनाया जाएगा, इट वॉन्ट बी क्रिएटेड विद टूल्स ऑफ करप्शन, इट वॉन्ट बी क्रिएटेड विद टूल्स ऑफ करप्शन, बल्कि इसे सच्चाई और ठोस इरादों के उपकरणों के साथ उकेरा जाएगा, बट इट विल बी कर्व्ड विद टूल्स ऑफ ट्रूथ एंड सॉलिड इंटेंशंस, बट इट विल बी कर्व्ड विद टूल्स ऑफ ट्रूथ एंड सॉलिड इंटेंशंस। मैंने हमेशा विश्वास किया है, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड, आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड। टेलीविजन पर जो चेहरा आप देख रहे हैं वह भरोसे का है, दैट द फेस विच यू सी ऑन टेलीविजन इज ऑफ ट्रस्ट, दैट द फेस विच यू सी ऑन टेलीविजन इज ऑफ ट्रस्ट। लेकिन आज बट टुडे मैं आपके सामने यह बताने के लिए बैठा हूँ, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू टू टेल दैट, बट टुडे आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू टू टेल दैट। लेकिन आज मैं आपको यह बताने के लिए बैठा हूँ कि 21 नवंबर को मैंने आप सभी को बहुत गंदा झूठ कहा था, ऑन 21 नवंबर आई हैड टोल्ड यू ऑल अ वेरी डर्टी लाई, ऑन 21 नवंबर आई हैड टोल्ड यू ऑल अ वेरी डर्टी लाई। एक झूठ जिसके कारण दिग्विजय हुड्डा की सरकार बर्खास्त हुई,
अलाई विच कॉज डिग्विजय हुडास गवर्नमेंट्स डिसमिसल। अलाई विच कॉज डिग्विजय हुडास गवर्नमेंट्स डिसमिसल। मुझे पता है कि इस आरोप को क्षमा नहीं किया जा सकता। आई नो दैट दिस क्राइम कांट बी पार्डन्ड। आई नो दैट दिस क्राइम कांट बी पार्डन्ड। अब मैं बस इतना कर सकता हूँ कि आप सभी को कुछ तस्वीरें दिखाऊँगा। नाउ ऑल आई कैन डू इज शो यू ऑल ऑफ ए फ्यू पिक्चर्स। नाउ ऑल आई कैन डू इज शो यू ऑल ए फ्यू पिक्चर्स। इन तस्वीरों में आप मेरे झूठ का असली सच देखेंगे। इन दीज पिक्चर्स यू विल सी द रियल ट्रूथ ऑफ माई लाइफ। इन दीज पिक्चर्स यू विल सी द रियल ट्रूथ ऑफ माई लाइफ। यहाँ पर अमिताभ बच्चन ने एक इमेज दिखा रहे हैं और सभी से बोल रहे हैं, यह व्यक्ति वही है जिसे मैं बार बार पूछता रहा कि वह कौन है और कहाँ है। दिस पर्सन इज द सेम खन्ना दैट आई रिपीटेडली केप्ट आस्किंग अबाउट हु इज एंड वेयर हिज इज। दिस पर्सन इज द सेम खन्ना दैट आई रिपीटेडली केप्ट आस्किंग अबाउट हु इज एंड वेयर ही इज। और अब वही खन्ना मेरे बेटे जय मलिक के साथ देखिए, अब यहाँ पर दूसरा वीडियो प्ले कर रहे हैं। एंड नाउ वॉच द सेम खन्ना विद माई सन जय मलिक। एंड नाउ वॉच द सेम खन्ना विद माई सन जय मलिक। खन्ना ना तो दुबे के आदमी थे और ना ही दिग्विजय हुड्डा के। खन्ना वॉज नीदर दुबेज मैन नॉट दिग्विजय हुड्डाज। खन्ना वॉज नीदर दुबेज मैन नॉट दिग्विजय हुड्डाज। खन्ना मेरे बेटे का पुराना दोस्त था। खन्ना वॉज माई सन ओल्ड फ्रेंड। खन्ना वॉज माई सन ओल्ड फ्रेंड। ये तस्वीरें तब शूट की गईं जब खन्ना और मेरा बेटा जय अमेरिका में एक साथ पढ़ रहे थे। दीज पिक्चर्स वर शॉट वेन खन्ना एंड माई सन जय वर स्टडिंग टूगेदर इन अमेरिका। दीज पिक्चर्स वर शॉट वेन खन्ना एंड माई सन जय वर स्टडिंग टूगेदर इन अमेरिका। हमारा चैनल इंडिया 24 बार बार पूछता रहा कि खन्ना कहाँ है और खन्ना कौन है। Our channel India 24 kept asking again and again about where Khanna is and who is Khanna. Our channel India 24 kept asking again and again about where Khanna is and who is Khanna. जबकि वास्तव में खन्ना मेरे बेटे के पुराने दोस्त थे। While all along Khanna was actually my son's old friend. While all along जबकि वास्तव में Khanna was actually my son's old friend. अब इस साजिश के कुछ अन्य चेहरे और अन्य पहलुओं को देखें। नाउ वॉच ए फ्यू अदर फेसेस एंड अदर फेसेट्स ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी। नाउ वॉच ए फ्यू अदर फेसेस एंड अदर फेसेट्स ऑफ दिस कॉन्स्पिरेसी। मोहन पांडे इस देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। मोहन पांडे वॉन्टेड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। मोहन पांडे वॉन्टेड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। नवीन इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति बनना चाहते थे। नवीन वॉन्टेड टू बिकम दिस कंट्रीज बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट। नवीन वॉन्टेड टू बिकम दिस कंट्रीज बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट। अमरीश कक्कड़ ने मौके का फ़ायदा उठाया। अमरीश कक्कड़ टुक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अमरीश कक्कड़ टुक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी। और जय मलिक चाहते थे कि इंडिया 24 इस देश का नंबर वन चैनल बने। एंड जय मलिक वॉन्टेड इंडिया 24 टू बिकम दिस कंट्रीज नंबर वन चैनल। एंड जय मलिक वॉन्टेड इंडिया 24 टू बिकम दिस कंट्रीज नंबर वन चैनल। यह कहानी है इन स्वार्थी चरित्र वालों के षड्यंत्र की। यहाँ पर अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं लास्ट में, दिस इज द स्टोरी ऑफ द सेल्फिश कैरेक्टर ऑफ दिस प्लॉट। दिस इज द स्टोरी ऑफ द सेल्फिश कैरेक्टर ऑफ दिस प्लॉट। जय अगर तुम मुझे अभी देख रहे हो तो साफ समझ लो। जय इफ़ यू आर वॉचिंग मी राइट नाउ अंडरस्टैंड क्लियरली। इफ़ यू आर वॉचिंग मी राइट नाउ अंडरस्टैंड क्लियरली कि तुमने केवल मुझे धोखा दिया है देश को नहीं। That you have betrayed only me and not the country. That you have betrayed only me and not the country. वह मैं हूँ जिसने हमारे देश के साथ विश्वासघात किया। यहाँ पर अमिताभ बच्चन खुद ही बोल रहे हैं, It is me who has betrayed our country. It is me who has betrayed our country. इस पूरी साजिश में अगर कोई दोषी है तो वह मैं हूँ। In this entire conspiracy, if someone is guilty, it is me. इन दिस इंटायर कॉन्स्पिरेसी इफ़ समवन इज़ गिल्टी इट इज़ मी। यह सब केवल एक माध्यम के कारण संभव हुआ। ऑल दिस बिकेम पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ वन मीडियम। ऑल दिस बिकेम पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ वन मीडियम। एक माध्यम के दुरुपयोग के कारण। बिकॉज ऑफ मिस यूज ऑफ वन मीडियम। बिकॉज ऑफ मिस यूज ऑफ वन मीडियम। उस माध्यम को इंडिया 24 कहा जाता है। द मीडियम इज़ कॉल्ड इंडिया 24। द मीडियम इज़ कॉल्ड इंडिया 24। मेरा अपना चैनल इंडिया 24 माई ओन चैनल इंडिया 24। जय ने जो किया वह अत्यंत निंदनीय कृत्य था। वॉट जय डिड वॉज एक्सट्रीमली कंडमनेबल एक्ट। वॉट जय डिड वॉज एन एक्सट्रीमली कंडमनेबल एक्ट। नेक्स्ट है, उसने ऐसा जानबूझकर किया और मैंने अनजाने में किया। ही डिड इट नोइंगली एंड आई डिड इट अननोइंगली।
ही डिड इट नोइंगली, यानी कि उसने जानबूझकर किया, एंड आई डिड अनोइंगली, मैंने अनजाने में किया। लेकिन इसका कारण क्या था? बट वॉट वॉज द रीज़न फॉर इट, बट वॉज द रीज़न फॉर इट। पहले सरकार, फिर राष्ट्र के लिए धन का उत्पादन करने वाले उद्योगपति आते हैं। फर्स्ट देयर इज द गवर्नमेंट, देन कम द इंडस्ट्रियलिस्ट हु प्रोड्यूस वेल्थ फॉर द नेशन। फर्स्ट देयर इज द गवर्नमेंट, देन कम द इंडस्ट्रियलिस्ट हु प्रोड्यूस वेल्थ फॉर द नेशन, और फिर राजनेता, एंड देन द पॉलिटिशियंस, एंड देन द पॉलिटिशियंस। कुछ सत्ता पक्ष से और कुछ विपक्ष से, सम फ्रॉम द रूलिंग पार्टी एंड सम फ्रॉम द अपोजिशन, सम फ्रॉम द रूलिंग पार्टी एंड सम फ्रॉम द अपोजिशन। इस देश के आम आदमी के प्रति उनका मूल कर्तव्य है। इट इज़ देयर बेसिक ड्यूटी टू वर्ड्स द कॉमन मैन ऑफ दिस कंट्री, इट इज़ देयर बेसिक ड्यूटी टू वर्ड्स द कॉमन मैन ऑफ दिस कंट्री। एक स्थिर और परिभाषित प्रणाली बनाए रखने के लिए, टू मेंटेन अ स्टेबल एंड वेल डिफाइंड सिस्टम, टू मेंटेन अ स्टेबल एंड वेल डिफाइंड सिस्टम, ताकि हर कोई बिना किसी डर या अड़चन के आगे बढ़ सके। सो दैट एवरी वन कैन प्रोग्रेस विदाउट एनी फियर और हिंड्रेंस, सो दैट एवरी वन कैन प्रोग्रेस विदाउट एनी फियर और हिंड्रेंस। ये जिम्मेदार लोग अपने कर्तव्यों को कैसे पूरा कर रहे हैं? हाउ वेल आर दीज रिस्पॉन्सिबल पीपल फुलफिलिंग देयर ड्यूटीज, हाउ वेल आर दीज रिस्पॉन्सिबल पीपल फुलफिलिंग देयर ड्यूटीज। आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि ये लोग उन्हें पूरा कर भी रहे हैं या नहीं? हाउ विल कॉमन मैन कम टू नो वेदर दीज पीपल आर फुलफिलिंग देम और नॉट, हाउ विल कॉमन मैन कम टू नो वेदर दीज पीपल आर फुलफिलिंग देम और नॉट। तो फ्रेंड्स, ये थे रण मूवीज़ के कुछ आगे सेंटेंसेस। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे सेंटेंसेस लेकर आऊँगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें।